इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर के बाद आज करनाल में हो रही है किसानों की महापंचायत। खट्टर सरकार पूरी तरह अलर्ट, किले में तब्दील हो गया है करनाल। सवाल यही, कहीं फिर से ना हो जाए करनाल में महाभारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसानों की महापंचायत अब हरियाणा के करनाल में हो रही है। जी हां, लाठी चार्ज के विरोध में महापंचायत करने पहुंचे किसान करनाल की अनाज मंडी में पहुंच गए हैं। किसान आज मिनी सेक्रेटरिएट का भी घेराव करने वाले हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से प्रशासन ने 5 जिलों में इंटरनेट सेवा और SMS सेवा को बंद करा दिया है। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां इस वक्त तैनात की गई है और करनाल में धारा 144 लगा दी गई है। अब 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। किसानों के हंगामे के आसार की वजह से प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है। 28 अगस्त को बीजेपी नेताओं का घेराव करने पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। मुआवजे की मांग की गई, अफसरों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन सरकार नहीं मानी तो आज किसान सड़क पर उतर गए हैं। मिनी सेक्रेटरिएट का घेराव भी करने वाले हैं। करनाल में सुरक्षा इंतजाम कितने कड़े हैं उसका अंदाजा आप इन 6 तस्वीरों को देखकर लगाइए। पुलिस सड़क पर मार्च कर रही है, पूरे करनाल की नाकाबंदी कर दी गई है। जिस अनाज मंडी पर किसानों को इकट्ठा होना है उसे किले में तब्दील कर दिया गया है। वज्र वाहन तैनात है, नॉनस्टॉप पेट्रोलिंग हो रही है, पूरा करनाल छावनी बन गया है। करनाल की अनाज मंडी से इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में और करनाल में आज किसानों ने महापंचायत का आगाज किया है। पिछली हफ्ते जो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था उसके विरोध में आज महापंचायत की बात की गई थी। 10 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा और हम अनाज मंडी का आपको जो तस्वीरें अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो पूरा जो अनाज मंडी है उसको छावनी में तब्दील जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आपको हरियाणा पुलिस के जवान, उसके अलावा RAF के जवान और साथ ही साथ यहाँ पर BSF की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहां पर तैनात की गई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम जितने भी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेन जो एंट्रेंस है ये अनाज मंडी की एंट्रेंस है और यहीं से जो किसान हैं वो उन्होंने यहां पर आना है। और आप देख सकते हैं यहां पर कि काफ़ी भारी संख्या में यहां पर जो पुलिस बल है उसको यहां पर तैनात किया गया है। यहां पर जो आप सामने में आपको दिखाऊं तस्वीरें तो यहां पर बकायदा एंटी रोइड्स जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो यहां पर लगी हुई हैं। टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। और इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं यहां पर तो तस्वीरें, जैसे जैसे हम इस अनाज मंडी के अंदर जाएंगे तो तस्वीरें जो हैं ये देख सकते हैं आप। ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर साफ तौर पर कि नई अनाज मंडी करनाल, यही जो मेन एंट्रेंस है अनाज मंडी की, ये यहाँ से सीधा अंदर जाती है। और हम आपको लेकर चलते हैं आगे और तस्वीरें और भी दिखाएंगे यहाँ पर भी कितना पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर आज किया गया है प्रशासन की तरफ से कि किसी तरह का कोई जो अनहोनी है वो ना हो सके, क्योंकि यहीं से किसान जो है 10 बजे के आसपास अपनी जो पंचायत है, महापंचायत जिसको कहा गया है, उसको शुरू करेंगे। और यहीं से सीधा जो अगर हम दिखाएं आपको तो ये यहाँ पर अगर पुलिस बंदोबस्त की बात की जाए तो 10 यहाँ पर पैरामिलिट्री की 10 और पुलिस की 30 कंपनियों के 3400 जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। 5 नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।